हमारे आज के डेली सीरीज के वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं दिल्ली की एक ऐसी जगह जिसका इतिहास हजार साल से भी ज्यादा पुराना है। दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, यहाँ करीब 1300 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ दिल्ली में स्थित मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क की। मेहरौली, इस जगह को अपना नाम राजा मिहिर भोज के नाम से मिला, जिन्होंने 836 टू 885 CE में दिल्ली पर शासन किया था। अगर आपको भारत के हिस्ट्री के बारे में जानना है या आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये प्लेस आपके लिए परफेक्ट रहेगा। यहाँ मुगल और ब्रिटिश काल के मॉन्यूमेंट्स के अलावा कैफे, लेक और ब्यूटीफुल गार्डन भी है। इस पार्क में आपको खिलजी, तुगलक, लोदी और मुगल शासन काल के इतिहास से जुड़ी लगभग 100 से ज्यादा मॉन्यूमेंट देखने को मिलेंगी, जिनमें से टोम, मॉस्क, बावली मुख्य है। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जाने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार। मेट्रो स्टेशन से ये पार्क 2 किलोमीटर दूर है और आप वॉक करते हुए यहाँ जा सकते हैं। पार्क के अंदर ही पार्किंग एरिया भी बना हुआ है, तो आप यहाँ अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आसानी से आ सकते हैं। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क साउथ दिल्ली में कुतुब मीनार के पास ही बना है, जो खुद में एक नेशनल हेरिटेज साइट है। ये पार्क 200 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। मेन गेट, जिसको कि बड़ा गेट भी कहा जाता है, मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क का गेट सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है और इसके अंदर बने मॉन्यूमेंट्स 8 बजे खुलते हैं। अंदर सबसे पहले हमें दिखेगा जमाली कमाली मॉस्क और इसके बराबर में बना है जमाली कमाली टोम। यहाँ एंटर करते ही ये जगह आपको कुछ देखी देखी सी लग सकती है। इसे जमाली कमाली मस्जिद भी कहते हैं। यहाँ पर सलमान खान की बहुचर्चित मूवी सुल्तान के काफी सारे सीन शूट हुए थे। इस मस्जिद को 1528 में जमाली ने बनवाया था। जमाली, जिन्हें शेख फजलुल्लाह या जलाल खान के नाम से जाना जाता था, ये एक सूफी सेंट, ट्रैवलर और पोएट थे। ये सुल्तान सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के शिक्षक भी थे। रेड सैंडस्टोन से बने इस मस्जिद को मार्बल से सजाया गया है। साथ ही मस्जिद के बाहर एक बड़ा ओपन एरिया है और 5 मेहराबों वाला एक प्रेयर हॉल है। इस मस्जिद को टिपिकल इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में छज्जों, फूलों और लेस पैटर्न के साथ तैयार किया गया है। साथ ही यहां आपको मेहराब और गुंबद भी देखने को मिलेंगे, जो कि मिडल वेस्ट आर्किटेक्चर में यूज किया जाता है। इस मॉस्क के पास ही आपको जमाली कमाली टोम दिखेगा। जमाली को उनकी राइटिंग स्किल्स के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि उनकी राइटिंग्स अभी भी मध्यकालीन इतिहासकारों द्वारा पढ़ी जाती है। वहीं दूसरी ओर कमाली, जिनकी दूसरी कब्र यहाँ पर बनी है, कथित तौर पर ये जमाली के शिष्य और उनके प्रिय थे। इस टूम के अंदर जमाली द्वारा लिखे हुए लव और सेपरेशन की काफ़ी सारी पोएट्री को दीवारों पर उकेरा गया है। जमाली कमाली टूम क्वेर लव का श्रेष्ठ उदाहरण है। जमाली कमाली का ये टूम 1526 से 1535 CE में बनाया गया था। जमाली कमाली मस्जिद दिल्ली के हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सूफी संतों को इस जगह से काफ़ी जुड़ाव था, इसीलिए यहाँ पे आधी रात में आवाज़ें सुनाई देती हैं। सरकार ने पिछले कुछ सालों में इस जगह को रेनोवेट करके टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से और भी अच्छा बना दिया है।
फिलहाल इस मॉन्यूमेंट की देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। अब चलते हैं द टूम ऑफ बलबन की तरफ। ये टूम घियासुद्दीन बलबन के याद में बनवाया गया था। घियासुद्दीन बलबन दिल्ली के 9वें सुल्तान थे, जिन्होंने दिल्ली पर 1266 से 1287 तक राज किया था। इनका असली नाम बहाउद्दीन था। इस टूम को बनाने में हिंदू और इस्लामिक आर्ट का यूज किया गया है। ये टूम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मेहराबों का यूज किया गया है। बलबन का जन्म 1216 में सेंट्रल एशिया के टर्क ट्राइब में हुआ था। बलबन को काफ़ी छोटी उम्र में मंगोल्स ने पकड़कर गुलाम बना लिया था और अफगानिस्तान स्थित गजनी ले गए थे। बलबन की गुलाम से शासक की जर्नी तब शुरू हुई जब 1232 ईस्वी में फाइनली इल्तुतमिश ने उन्हें खरीदा। इल्तुतमिश ने उन्हें अपने 40 विश्वास पात्रों के दल में शामिल किया। बाद में इसी 40 दल का दमन करके बलबन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की गद्दी पर बैठा। जमाली कमाली टूम के पीछे ही आपको एक और टूम देखने को मिलेगा। ये टूम अपने झरोखों के लिए जाना जाता है। इसको पठान काल में बनाया गया था। यहाँ साउथ वॉल पे आपको दो झरोखे देखने को मिलेंगे जो कि मेन एंट्रेंस और स्टेयर्स से अटैच्ड है। टूम के अंदर आपको सुंदर नकाशी देखने को मिलेगी। इसी के सामने आपको एक और टूम देखने को मिलेगा। इसे भी पठान काल में ही बनवाया गया था। ये टूम स्क्वायर शेप में बना हुआ है। टूम के चारों तरफ चार दरवाजे हैं। साथ ही बाहर की दीवारों पे आपको छोटे आले, बुर्ज, पदक आदि देखने को मिलेंगे जो इस टूम को और खूबसूरत बनाते हैं। अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को हैसल फ्री बनाने के लिए यूज करिए एडिक्वेट ट्रैवल ऐप। इस ऐप से आप अपने आसपास ट्रैवल पार्टनर ढूंढ सकते हैं और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें एडिक्वेट ट्रैवल ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पार्क में हमारा नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है राजों की बावली। वैसे तो दिल्ली में करीब 30 बावलियां हैं। पर राजों की बावली दिल्ली की सबसे पुरानी और बेहतरीन बावलियों में से एक है। इस बावली का निर्माण 16th सेंचुरी में लोधी शासन काल में बनवाया गया था। इसका निर्माण दौलत खान लोधी ने करवाया था। इस बावली को इंडो इस्लामिक डिजाइन में बनवाया गया था। दौलत खान का भारत के इतिहास को ढालने में अहम रोल है। दौलत खान ही वो व्यक्ति थे जिसने बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इब्राहिम लोदी के शासन काल में दौलत खान पंजाब के गवर्नर थे। राजों की बावली का अर्थ है राजमिस्त्रियों की बावली। 20th सेंचुरी में जब उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा के अलग अलग जगहों से लोगों ने मेहरौली शिफ्ट होना शुरू किया और बावली परिसर में भी रहने लगे। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग राजमिस्त्री थे और तभी से इसे राजों की बावली कहा जाने लगा। इस बावली में टोटल 4 फ्लोर्स हैं, जिसमें से 1 फ्लोर जमीन के ऊपर और 3 फ्लोर जमीन के नीचे बने हुए हैं। 1875 में इस बावली में 66 स्टेप्स थे, बट अभी इसमें 3 स्टोरीज और 41 स्टेप्स हैं। मुगल काल में ये बावली पानी का एकमात्र सोर्स हुआ करता था। बावली के ऊपर 12 स्तंभों वाली एक टूम है और पास ही में एक मस्जिद है जो देखने में काफी सुंदर है।
यहीं कुछ दूरी पर एक और टूम बना है। इस टूम को पठान काल में बनवाया गया था। टूम के प्रत्येक दीवार पे तीन मेहराब वाले बड़े द्वार हैं। लाल बलुआ पत्थर से बने इस टूम को एक गुंबद से सजाया गया है और इस टूम की हाइट 12 मीटर है। कुछ आगे चलने पे हमें यहाँ लोदी टूम दिखेगा। इस टूम का निर्माण पठान काल में किया गया था। इस स्थान पर कई सारे मकबरे बने हुए हैं, जो कि लोदी काल के युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं के हैं, इसलिए ये बता पाना मुश्किल है कि ये मकबरे किस किस के हैं। अब चलते हैं कुली टूम की तरफ। 17 सेंचुरी में निर्मित इस टूम को मोहम्मद कुली खान की याद में बनवाया गया था। कुली खान अकबर के फॉस्टर मदर महम अंगा के बेटे थे। 1830 में थॉमस थियोफिलस मेटकाफ ने इस टूम को कुली खान के वंशज से खरीदा और इसमें कुछ चेंजेस किए। चेंजेस के बाद मेटकाफ ने इस जगह का नाम बदलकर दिलखुशा कर दिया। ब्रिटिश राज में मेटकाफ मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के दरबार में भारत के गवर्नर जनरल के एजेंट थे। दिलखुशा के अलावा मेटकाफ ने 1835 में सिविल लाइंस के पास यूरोपियन स्टाइल में एक और घर बनवाया था, जिसे मेटकाफ हाउस के नाम से जाना जाता है। दिलखुशा, जिसका अर्थ होता है दिल को खुश करने वाला, ये जगह मेटकाफ के फेवरेट प्लेसेस में से एक थी। इस जगह पे वो अपना वीकेंड और मॉनसून बिताया करते थे। मेटकाफ ने भारत में बिताए अपने 40 वर्षों में से ज़्यादातर समय दिलखुशा में ही बिताया। दिलखुशा से इस पार्क में और इसके आसपास बनी सभी मॉन्यूमेंट्स का क्लियर व्यू मिलता है। इसी वजह से मेटकाफ इस जगह को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर पे नज़र रखने के लिए भी यूज़ किया करते थे। कुली टूम के पास ही मेटकाफ बोट हाउस भी बना है, जो आज के दौर में एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ मुगल एरा में ये एक बोट डेक हुआ करता था, जो पॉन्ड से कनेक्टेड था। इन सब जगहों से होते हुए जैसे ही आप इस पार्क के एंड तक पहुंचने वाले होंगे, तभी आपको दिखेगा इस पार्क की जान, द कैफे स्टोन। पहले इस पार्क में एक टाइम पर इन एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के अलावा कुछ और नहीं था, पर इस कैफे के यहाँ खुलने के बाद से ही दिल्ली वालों के लिए उनका फेवरेट आउटिंग प्लेस बन गया है। सेल्फ सर्विस ऑफर करने वाले इस कैफे में आप डिफरेंट फूड ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफी रीजनेबल रेट्स में। अपना मील इंजॉय करते हुए भी आप यहाँ फाउंटेन और लेक के ब्यूटीफुल व्यू का आनंद ले सकते हैं।
शाम होते ही इन फाउंटेन्स में लाइट जल जाती है जो इस पार्क और कैफे की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इस कैफे से आपको कुतुब मीनार का बहुत ही सुंदर व्यू मिलेगा और इसी सुंदर व्यू के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में दिल्ली की कुछ और रोमांचक जगहों के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।